हेलो एवरीवन, कैसे हैं? वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों के लिए एक मेकअप लुक शेयर कर रही हूं, और तीज और गणेश चतुर्थी का मेकअप लुक है। होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। पहले मैं अपने फेस में मॉइस्चराइजर ऑलरेडी अप्लाई कर चुकी हूँ, और ये मैं आज प्राइमर, आपको तो पता है मैं मतलब नॉर्मली बहुत कम ही यूज करती हूँ प्राइमर, तो मैं आज प्राइमर एलोवेरा जेल ही यूज कर रही हूँ। और एलोवेरा जेल यूज करके 2-3 मिनट के लिए छोड़ देना है, अच्छे से ऑब्जर्व होने देना है फेस में। एलोवेरा जेल अप्लाई करने के बाद फिर मैं अप्लाई करूँगी अपने आईब्रो को फिल कर लूँगी, और मैट लुक का आईब्रो फिलर है ये, और एक ब्रश की मदद से आईब्रो फिल कर लूँगी मैं। फिर आईब्रो फिल होने के बाद एक ब्रश की मदद से उसे सेट कर लूँगी। आईब्रो जो फिलिंग की थी उसको इन्हेंस करने के लिए साइड बाय साइड कंसीलर की मदद से क्लीन कर लूंगी। सेम कंसीलर लेके अपने डार्क स्पॉट और डार्क सर्किल एरिया में अप्लाई कर लूंगी अपने फेस पे। फिर एक ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से अच्छे से उसको ब्लेंड कर लूंगी, और ब्लेंडिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। जितना अच्छे से ब्लेंड होता है उतना ही अच्छे से अपना फेस अच्छा दिखता है और ग्लो करता है, और सारा स्पॉट जो है मिट जाता है। उसके बाद मैं अपना आई शेडो की बेस बनाने के लिए भी आईलिड पे भी कंसीलर अप्लाई कर लूँगी, और ब्लेंडिंग स्पॉन्ज की मदद से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। फिर यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ लैक्मे 9 to 5 का फाउंडेशन। और अपना ईयर और नेक को भी कवर करना मत भूलिए। और उसके बाद एक ब्यूटी ब्लेंडर से उसे अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। अब मैं यूज कर रही हूँ मेबलिन का कॉम्पैक्ट, और कॉम्पैक्ट ब्रश से अच्छे से कॉम्पैक्ट अप्लाई कर लूँगी चारों तरफ फेस में। कॉम्पैक्ट अप्लाई करने के बाद मैं अभी आई मेकअप स्टार्ट करूँगी, और आई मेकअप करने के लिए दोनों साइड टेप लगा ली हूँ, और आई शेडो पैलेट से एक रेड कलर, डार्क रेड कलर से पिक करके अप्लाई कर रही हूँ। दोनों आईज में अप्लाई करूंगी डार्क रेड कलर का सेट। साड़ी मेरा रेड कलर है तो थोड़ा सा रेडिश रेडिश लुक आने के लिए डार्क रेड कलर सेट अप्लाई कर रही हूँ। के बाद मैं यहाँ पे थोड़ा हल्का लाइट ब्राउन कलर शेड अप्लाई की हूँ। और उसके बाद मैं हल्का सा दोनों साइड अप्लाई करने के बाद लाइट ब्राउन कलर,
उसके बाद मैं पिक की हूँ गोल्डन गोल्डन कलर, सिमरी गोल्डन कलर, लाइट कलर, सिमरी गोल्डन। फिर यहाँ पे मैं अप्लाई करूँगी आईलाइनर, और ये अमोय एटीट्यूड का आईलाइनर है और मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। गुन्नू उसका कैप तोड़ दिया है फिर भी मैं उसे बहुत संभाल कर रखी हूँ, बहुत ही पसंद है मुझे ये आईलाइनर। और मेरा आई मेकअप डन, और यहाँ पे मैं वेगा का काजल अप्लाई करूँगी, और ये वेगा का काजल बहुत ही अच्छा काजल है, और मेरा आई मेकअप फिनिश्ड हो गया है। फिर मैं अप्लाई कर रही हूँ लिप लाइनर, और ये मैं मैट लुक का लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ लिप में, और ये थोड़ा सा पूरा रेड नहीं है कि पूरा ऑरेंज नहीं है, थोड़ा डिफरेंट कलर है। उसके बाद मैं अपने फेस को हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ चिक्स में, और थोड़ा नोज़ में, चीन में, और थोड़ा सा आई कॉर्नर में। फेस मेकअप के बाद मैं फिर मेरा हेयर स्टाइल कर लूँगी, सिंपल सा हेयर स्टाइल है खाली, और ये मेरा मांग निकाल के फिर यहाँ पे मैं सिंदूर लगाने के बाद फिर मांग टीका लगा ली हूँ, और सिंपल सा हेयर स्टाइल, हेयर खुला ही रखूँगी मैं, और यहाँ पे मांग टीका लगा के फिर मैं थोड़ा सा बाल को अच्छे से कवर करके क्लिप लगा ली हूँ, और यहाँ पे बिंदी भी लगा ली हूँ। फिर मैं अपना बैंगल्स पहन ली हूँ, और ज्वेलरी पहन लूँगी, और ये जो ज्वेलरी है देख सकते हैं ये मैं थ्रेड ज्वेलरी पहन रही हूँ, सिल्क थ्रेड का, और ये मेरा खुद का अपने हाथों से बनाया हुआ डिज़ाइन है। कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताइएगा, मैं ज्वेलरी भी बनाती हूँ, और ये इयररिंग और नेकलेस सेट खुद बनाई हूँ। ये रहा मेरा फाइनल लुक, कैसा लगा आप लोगों को आज का मेरा मेकअप लुक ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।